बीते कुछ समय से लगातार जिले के कुछ क्षेत्रों से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अवैध रेत उत्खनन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए ये रिपोर्ट। बीती देर रात प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जयसिंह नगर के पोड़ी कला रेत खदान में बड़ी कार्रवाई कर कई वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर वंदना वैद और एसपी अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में रेत परिवहन और उत्खनन में लिप्त कई वाहन और मशीनें जब्त की गई है। शहडोल जिले में यहाँ के जाबाज पुलिस अधीक्षक और जाबाज कलेक्टर महोदया और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की गई है उन लोगों के खिलाफ जो रेत का नदी में से अवैध उत्खनन करते हैं, उनका अवैध परिवहन करते हैं, और जो माननीय एनजीटी है उसके द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं। और इसके साथ ही जो कलेक्टर के द्वारा 188 के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है, और जो मौके से हमको वाहन मिले हैं उनकी सारणी इस प्रकार है, चौंकाने वाली है कि 25 जो हाइवा है यानी जो हाइड्रोलिक तंत्र से उसको रेत का निकालने वाले जो यंत्र हैं उनको जब्त किया गया है, भरे हुए थे वो सब वाहन, और इसके साथ ही 11 ऐसे वाहन मिले हैं हाइवा के जिनमें जो मौके से मिले, और एक फोकलेन मिली है। इसके साथ ही जो वहाँ पर मौके से हमको और जो सबूत मिले हैं वो विवेचना के अंतर्गत हमारे जो अधिकारी हैं उसकी विवेचना कर रहे हैं। अपने शहडोल जिले के पोंडी कला गाँव में सोन नदी में अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला दर्ज हुआ है। इसमें पहले 25 हाइवा गाड़ी पकड़ी गई, फिर उसके बाद 11 और फिर 9, और उसके बाद 2 पोकलेन और 1 पंडुबकी, इस तरह की कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने एसपी साहब के साथ में एक दिन पहले उनके कल रात से और आज सुबह जो निरंतर कार्रवाई हो रही है अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन की गाड़ियों को जो जब्ती बनाया है जिला प्रशासन ने, ये कार्य जो उनका रहा है ये प्रशंसनीय रहा है। इस विषय पर मैंने पूर्व में कई बार जो है शिकायतें की जिला प्रशासन को, लेकिन उनके द्वारा ये इस तरह की कार्रवाइयाँ विशेष नहीं दिखी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने शिकायत की थी। उसके बाद भी नवागत कलेक्टर आते ही उनके और हमारे ज़िले के कप्तान ने जिस तरह से दोनों की ज्वाइंट टीम ने कार्रवाई करी है ये काबिले तारीफ है, जिससे अवैध कारोबारियों पर इससे अंकुश लगेगा। ये काम पहले करना चाहिए था, जिससे इस तरह के जो आलम आज दिख रहे थे इस तरह के शायद नहीं होते। ये काबिले तारीफ कार्य रहा है, इस बात के लिए ज़िले के प्रशासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निरंतर ऐसी उम्मीदें भी करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह से अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का काम करें, और शासन के जो राजस्व की चोरी कर रहे हैं ऐसे लोगों पर लगाम कसनी चाहिए। धन्यवाद। कार्रवाई के दौरान SDM दिलीप पांडे सहित तहसीलदार दीपक पटेल और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ शहडोल।